आप ये जो फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो में आपको दो मुख्य लोग देख रहे होंगे, ऐसे तो और भी लोग हैं, लेकिन आपको इनको देख रहे होंगे। ये आरसीपी सिंह हुए, जो कि फिलहाल में माने जाते हैं कि जेडीयू जो है अपना सत्ता को जो है किसी और पार्टी के साथ जुड़ करके बनाने का जो मेन वजह है, उसमें सबसे बड़ा बोला जाता है कि आरसीपी सिंह का गद्दारी को माना जाता है। एक तरह से जो है अपने ही पार्टी के साथ धोखा करना, अपने ही पार्टी को जो है तोड़ने की कोशिश करना, इस तरह का जो चीजें हैं इन पे लगा हुआ है। और इनको जो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट शर्ट में जो नेता टाइप के जो ये भी लग रहे हैं, ये विजन क्लासेस जो कि पटना के मशहूर कोचिंग में से एक है आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, ये भी नेतागिरी ही करते रहते हैं। और जैसे ये अपने ही पार्टी को छले, एक तरह से इनको भी आप बोल सकते हैं ये अपने ही राज्य को छले। हम आपको ज्यादा जो फोकस होंगे एक तरह से विजन क्लासेस के जो मैनेजर बोल सकते हैं या एमडी बोल सकते हैं या उसके आप पर्सन जो बोल सकते हैं, ठीक है, मेन कर्ता धर्ता यही है। इनका नाम के सिंह है, फेमस रूप से जो इनको के सिंह बोला जाता है, कन्हैया सिंह, ठीक है। ये विजन क्लासेस जो पटना के एक मशहूर कोचिंग में से एक है, ये उसी के ऑनर है। शुरुआती दौर में हम इनका आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बताते हैं। शुरुआती दौर में आप बड़ा अच्छा सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम चलेगा। हम किसी तरह का आलोचना उस तरह का मतलब गलत भावनाओं से लेकर के नहीं कर रहे, ठीक है, जानकारी के रूप में जो फैक्ट्स हैं उसको, फैक्ट्स को हम आपके सामने रख रहे हैं। के सिंह जो है आरा जिला से बिलोंग करा करते हैं मूलतः रूप से, जो ये वहां पे नॉर्मली छोटे मोटे जो कॉलेज होते हैं वहां से ग्रेजुएशन की, उसके बाद पटना में और दिल्ली में जो है जाकर के यूपीएससी का और बीपीएससी का तैयारी करने लगे। इनका उस समय मन नहीं लगा, उस दौर में जो कि नॉर्मली 2000 से पहले का दौर है, 2000 जो हम लोग कहीं 2022 से चल रहा है उसमें 2000 आप बोल सकते हैं, उसके पहले का दौर है, उसमें ये पढ़ाई करा करते थे। उस बीच इनको जो है पढ़ाने का लगा कि कोचिंग वगैरह बहुत अच्छा से चलता है, उससे बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमाए जा सकते हैं और ये उसमें जो है लगे। शुरुआती दौर में ये बीएम दास रोड जो कि नया टोला के पास आप देख सकते हैं, बीएम दास रोड, खजांची रोड, ये सब में ये जगह जगह कोचिंग्स में जो है पढ़ाए। इनको रिजेक्ट किया गया अधिकतर जगह पे। उसके बाद जो है ये आगरा चले गए, वहां पे पढ़ाए, वहां पे भी जो इनको रिजेक्ट किया गया। इनके व्यवहार विचार जो है थोड़ा मतलब बदसलूकी टाइप का आप इसको बोल सकते हैं, कुछ मामलों में अच्छे भी हैं, वो अच्छाइयों को भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है ये कोटा चले गए, और कोटा में उस दौर में जो है 2000 के आसपास का जो दौर था एक तरह से जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज होने का दौर था कोटा का जो। और ये जब यहाँ पे आए वापस जो है कुछ ही समय के बाद वहां छोड़ करके यहाँ पे जब वापस आए एक तरह से, हालांकि वहां पे ये एक मतलब अनजाने टीचर टाइप के रहा करते थे, यहाँ पे जब आए तो अपने बोर्ड में सबसे पहले जो है कोटा क्लासेज, कोटा फैकल्टी नाम से जो है मशहूर किए। ये अच्छी बातों में से हम आपको बता रहे, ये मेहनती बहुत है एक तरह से जो, रिस्क टेकर एक तरह से जो है बहुत अच्छे, जो कि इनका ये पॉजिटिव पक्ष है। अब जो है शुरुआती दौर में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे जो है नया टोला में ही जो है, नया टोला में जो है आप वहां पे अभी फिलहाल में आप कुछ होटल्स वगैरह देख सकते हैं, उसी वाले मतलब संस्कृत महाविद्यालय जो है या स्कूल जो है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में जो है, पहले उधर पोस्ट ऑफिस भी रहा करता था, तो वहीं पे जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किए। और बहुत ही कम फीस में, उस समय जितने भी अच्छे टीचर्स थे नॉर्मली 3000-3500 रुपए लेते थे, और ये उस दौर में जो है 500-1000 ऐसे ही करके फीस रखे रहते थे, भीड़ जुटाव पॉलिसी पे ध्यान रखते थे। कुछ चीजें ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, खास करके जो है बॉन्डिंग हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गए, ये काफी अच्छा से पढ़ाते थे एक तरह से जो। और इसी से इनका जो है नॉर्मली पॉपुलराइजेशन बढ़ने का एक वजह था। उससे बड़ा जो पॉपुलर होने का वजह था, ये लोगों को मारते बहुत थे एक तरह से जो, बदसलूकी इसके साथ बहुत करते थे, कुछ अच्छे चीजों के लिए भी करते थे, कुछ अच्छे चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए इनके क्लास में कोई लोग जो है बड़े बड़े बाल या एक्सीडेंटल वगैरह या कुछ स्टाइलिश टाइप का बहुत ज्यादा पहन के चला गया, समझियो पिटाना उसका तय एक तरह से जो, ठीक है, वो निश्चित रूप से 2-4 बॉडीगार्ड रखे रहते थे, चूंकि 800-600 का बैच चलाने लगे थे तो 2-3 को बॉडीगार्ड रखे रहते थे, प्लस में इनका बदसलूकी की वजह से कई बार इनको जो जेल भी जाना पड़ गया एक तरह से जो, तो लड़कों को काफी मारते थे। और यही मारने की वजह से जो लोगों में चर्चा रहता था, कुछ अच्छी भी बातें
क्लास में सुना करते थे। सुनिए आप पूरी अच्छी तरह से, यदि आप विजन क्लासेस का थोड़ा पहले का जो स्टोरी है जानिएगा तो आपको मालूम। फिर कैसे ये छलावा की एक तरह से, कैसे ये जो है शुरुआती दौर में आप बोल सकते हैं जेडीयू के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से रहे, और फिर छल के एक तरह से जो अपनी ही पार्टी के साथ जो, ये भी वैसे ही शिक्षा जगत से या शिक्षा को नॉर्मली जो है बहुत ज्यादा आजकल जो शिक्षा माफिया बोलते हैं ना, ये कुछ इस तरह का टर्म इन्हीं लोगों के वजह से क्रिएट हुआ। एक मूवी भी आया था एक तरह से जो, वो मूवी हमको अच्छी तरह से ध्यान में नहीं आ रहा, राजनीति आया था प्रकाश झा का बना हुआ, उसका एक हाफ और अगला हाफ जो इंटरवल के बाद का हाफ है उसमें एक बैड एक तरह से कोचिंग चलाने वाले का जो है एक प्रतीकात्मक जो है चीजें दिखाया गया था, वो यही थे एक तरह से जो, ठीक है, जो मनोज वाजपेयी का रोल किए हुए वो एक तरह से इन्हीं का प्रतीकात्मक जो है एक तरह से रखा हुआ था लेकर के, जो कि बैड कोचिंग को जो है रूप देना एक तरह से जो है, और सिर्फ पैसे का मशीन बना लेना एक तरह से, और स्टूडेंट के साथ छल करना जो है, प्रचार प्रसार झूठ मूठ का जो है बहुत ज्यादा करना जो है, ठीक है। तो ये सब चीजें रहता है। अब हम थोड़ा सा उधर बता रहे थे उसके सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मली ये दो वजह से जो मारपीट बहुत ज्यादा करते थे इससे पॉपुलर बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद जो है पढ़ाते थे कुछ टॉपिक बहुत अच्छे, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको मेन के लिए बोला करते थे उसको पूरा चौपट कर चुके रहते थे, उसको जल्दी जल्दी मेन चीज को हटा देते थे, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक केमिकल बॉन्डिंग और कुछ पीरियोडिक टेबल्स, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और उसके बाद जो उसी से जो पहले जो है लोग टारगेट की तैयारी करते थे बहुत सालों तक, जब पटना में मेडिकल का और इंजीनियरिंग का तैयारी करते रहते थे, इनके पास कई सारे लोग जो रिजेक्टेड लोग रहते थे नॉर्मली, काफी ज्यादा भीड़ बना और वही सनसनी क्रिएट की एक तरह से। उसके बाद इनके पास बोले कि काफी अकूत पैसे आने स्टार्ट हो गए एक तरह से जो, काफी अकूत पैसे, क्योंकि अब 800-900 का लड़का जब पढ़ने लगा तो काफी पैसे। उसके बाद बताएं कि ये मेहनती बहुत थे, एक एक दिन में 7-8 घंटे का क्लास जो है लगातार लिया करते थे, सुबह से ही लेकर के जो है समझिए शाम तक क्लास लगातार ही रखा हुआ रहता था, बीच में थोड़ा बहुत खाने पीने का रखते थे तो रखते। उसके बाद इनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, ठीक है। इसके वजह से एक बार जो है पटना में, हमको अच्छी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि उस समय हम बैंगलोर में थे एक तरह से, 2008 के आसपास में न्यूज में हम लोग नॉर्मली देखते रहते थे, 2008 के आसपास बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कोचिंग को लेकर, क्योंकि कोचिंग के जो टीचर्स होते थे वो स्टूडेंट के साथ काफी मिसबिहेव करते थे एक तरह से, उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, उनको समझिए मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आते थे, अभी का दौर नहीं था वो समय का दौर बता रहे। उसके वजह से कई सारे स्टूडेंट्स जो है भड़क गए एक तरह से, एक बार ऐसा घटना घटा तो, और सभी कोचिंग में नॉर्मली आग लगाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो है ये जो पैसा कमाए होते, ये जो कोचिंग टाइप का जो सिस्टम होता है इंस्टीट्यूट टाइप का, एक ही छत के अंदर सभी विषयों का अरेंज करना, उस समय ये अपने पैसे को नॉर्मली जो है अच्छे अच्छे टीचर्स को नॉर्मली जो है वो रिक्रूट करने में लगाए, जो कि ये इनका अच्छा पॉइंट में से था, ठीक है। रिजल्ट वगैरह बहुत कम होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, लेकिन वो दूसरे का पढ़ाया हुआ इनके यहाँ काम आ जाता था, क्योंकि होता क्या था कि कम फीस रहने की वजह से लोग कई जगह पे पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वगैरह सब जो है, और इनके यहाँ भी कुछ कुछ एडमिशन ले लेता था, तो होता क्या है कि आप जब किसी के यहाँ थोड़ा सा भी आ गए तो टीचर जो अपना हक रखता है नॉर्मली जो है कि वो आपका नाम जो सेलेक्ट हुए तो उसका दे देता है एक तरह से जो। ये वैसे ही करने लगे जबकि पढ़ाई के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर से क्या हो जाने वाला एक तरह से जो, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब ये कोचिंग का जो रखे एक तरह से, तो शुरुआती दौर में अच्छे अच्छे टीचर्स को लाए, लेकिन ये टीचर्स के साथ भी धोखा किए, बड़ा आश्चर्य लगेगा, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स शुरुआती दौर के थे 3-4 महीने उनको बहुत अच्छा से पैसा दिया गया, उनको लालच दिया गया, पैसा दिया गया एक तरह से जो है, वो भी कोटा छोड़ करके दिल्ली छोड़ करके चले। अब वो एक अच्छा परिवार के और अच्छे व्यवस्थित लोग थे वो लोग जो है। अब क्या हुआ, अब ये जब पैसा कमा लिए इनको एडमिशन वगैरह जब हो गया अच्छी तरह से, उसका टीचर वगैरह के साथ यही बदसलूकी वाला बातें, मिसबिहेव वाला बातें, जो मतलब गाली गलौज तक कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, प्लस में एटीट्यूड बहुत ज्यादा एक तरह से जो है, तुम मेरे जूते के बराबर नहीं हो, तुम मेरे मौजे के बराबर नहीं हो, तो पता नहीं और क्या क्या बोलते होंगे एक तरह से जो। कई सारे टीचर्स ऐसा बताते हैं एक तरह से जो वहां पे ऑलरेडी पढ़े हैं, इसलिए कभी विजन का क्लासेस में देखेगा कोई भी टीचर टिकता नहीं, अच्छा टीचर हमेशा हट जाता है वहां से, उसका वजह इसका बदसलूकी जो एक तरह से। तो ये सिचुएशन आप सोचिए, 3-4 महीना अच्छा से पढ़ाया, लड़के लोग खुश, लड़के लोग एडमिशन ले लिए, दूसरे को बताया, उसके बाद जो है ये उस टीचर को हटा दिया करता था या टीचर छोड़ दिया करते थे। हटाने का वजह उसका पैसा रख लेना एक तरह से जो, ठीक है। कुछ मामले में पैसे देते थे, कुछ लोग जो है बहुत अच्छे थे तो उनका पैसा, क्योंकि वो केस भी कर सकते थे ना, तो देना भी पड़ता है, क्योंकि उसके वजह से लड़के भी आए थे एक तरह से, और कई लोग के साथ बदसलूकी इतना ज्यादा कर दिया था वो छोड़ देते थे एक तरह से जो। ऐसा चक्र जो है 2-3 सालों के लिए जो है क्रिएट किया गया एक तरह से, जिसमें विजन जो है समझिए कि करोड़ों से लेकर अरबों के बीच में ही जो है नॉर्मली पैसे का। अब ये देखिए, शिक्षा को बोला करते थे हम कोटा जैसा बना देंगे, शिक्षा को ये कर देंगे, ये सब नेतागिरी इनका था एक तरह से जो, सही से देखिए तो।
पैसे कहाँ कहाँ लगाए? गोवा में रेस्टोरेंट के लिए जो है, इलेक्शन लड़ने के लिए लगाए एक तरह से, जबकि इनके पास जो एजुकेशन का जो नॉर्मली लोग ट्रस्ट करने लगे थे वो एक एजुकेशनिस्ट के रूप में और शिक्षाविद के रूप में ट्रस्ट करने लगे थे, लेकिन बाद में ये शिक्षा के साथ ही बड़ा धोखा करना स्टार्ट किए। ये शिक्षा का सारा पैसा जो एक तरह से, जो कि इनको मालूम था कि मौके पे जो आ जा रहा है बस उसको जल्दी समेटो निकलो, जो कहीं ना कहीं सच्चाई मालूम ही चल जाएगा एक तरह से, उसका नेतागिरी पे उतर गए एक तरह से। इनके सारे जो लोग इनके इर्द गिर्द जो मैनेजमेंट करते हैं ना, वो सब जो है कोई ठेकेदारी करता है, कोई नेतागिरी करता है, यही सब काम करता है, ये रियलिटी है एक तरह से जो, ठीक है। एजुकेशन में उन लोग बहुत कम समय देते हैं और ये एजुकेशन को एक तरह से जो है कैश मशीन बना दिया, और इसी की वजह से जो है एजुकेशन को बिहार में एक शिक्षा माफियाओं से जो लेकर के जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। ये टर्म को एक बनाया गया कि शिक्षा माफिया, मतलब शिक्षा को बेच रहा है लोग एक तरह से, जैसे इस जमीन को जो है गलत तरीके से बेच देना, उस तरह से शिक्षा को बेच रहे हैं लोग जो, ये सिचुएशन ये केस इनका है एक तरह से। उसके बाद तो फिर देखिए पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के जो है वो सब जो पैसे कमा लिया उसी से सबको दे दिए इधर उधर, कि तुम लोग मैनेज करो जो आता है बस, हम तो घूमेंगे, खूब घूमना एक तरह से जो है, विदेश घूमना एक तरह से जो, वो भी अच्छे पर्पज से घूमना बहुत अच्छी बात रहती, ठीक है, लेकिन अय्याशी के पर्पज से घूमना एक तरह से जो, लग्जरी के पर्पज से, कैसे विजय माल्या वगैरह होता है वैसे करके लग्जरी के पर्पज से घूमना, घूमना खराब चीज नहीं, लेकिन बाकी लग्जरी के लिए घूमना ये खराब चीज है एक तरह से जो। उसमें भी आप शिक्षा से कमाए हुए पैसे को नॉर्मली इसमें लगाते हैं, ये खराब चीज है एक तरह से जो। उसके बाद देखिए नॉर्मली ये उसी पार्टी के, मतलब मैं पहले ये शुरुआती दौर में उपेंद्र कुशवाहा नाम के एक रालोसपा पार्टी था उसमें ज्वाइन की, उसके बाद आरजेडी ज्वाइन की, उसके बाद जेडीयू ज्वाइन किया, और अपने ही पार्टी को तोड़ने वाले ग्रुप में शामिल हो गए। जैसे महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे थे, ये एक तरह से बिहार के एकनाथ शिंदे ही होने वाले थे, लेकिन बिहार का राजनीति बहुत परिपक्व रहता है और उसमें भी वैसे लोग से नॉर्मली ये टकराने की कोशिश किए जो बिहार के राजनीति के मेन धुरी है एक तरह से जो। तो ये तो गद्दार साबित हुए, लेकिन ये जो है नॉर्मली ये भी शिक्षा के ही गद्दार है एक तरह से जो, शिक्षा को नॉर्मली जो है बेचने लायक बना दिए, मार्केटिंग लायक बना दिए। इसमें क्या हुआ, रिजल्ट को बस ऐसे ही भेज दिया जाता है, फेक रिजल्ट्स को जो है पोस्टर पे जो है पूरी तरह से रख दिए जाते हैं, कौन चेक करने वाला, कोटा से भी ज्यादा इन लोग कभी कभी रिजल्ट दिखा देते हैं, बड़ा आश्चर्य होगा। और आपके कोई जान पहचान के लोग पढ़ते होंगे क्लास में पूछिएगा तो शायद ही इक्का दुक्का का रिजल्ट हुआ रहता है, नहीं तो नहीं हुआ रहता। और जिस तरह से रिजल्ट दिखाते हैं उस रेशियो से तो हर बेंच से एक लड़का दो लड़का होना चाहिए एक तरह से जो, यदि बेंच पे चार लोग पांच लोग के आसपास बैठते हैं, या मान लीजिए अल्टरनेट बेंच पे ही जो है मान लीजिए वो जो है एक या दो लड़का कम से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं रहते हैं। तो देखिए मेन इस वीडियो बनाने का जो कंक्लूजन ये है एक तरह से जो है कि शिक्षा को कम से कम जो है इस रूप में नहीं लाना चाहिए एक तरह से जो, कम से कम आप उन सपनों को नहीं तोड़ते हैं जो गार्जियन अपने बच्चों के सहारे देखते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमा करके आप शिक्षा में ही लगाते हैं एक तरह से जो, आप स्टूडेंट को नॉर्मली अच्छा से अच्छा व्यवस्था देते, जो आप हायर फीस करते जा रहे थे उस फीस को नॉर्मली लगाम लगाते एक तरह से जो, अच्छे टीचर्स को नॉर्मली जैसे पहले लाए थे उससे भी अच्छे टीचर्स लाने की कोशिश करते, बल्कि ऐसा नहीं कि शुरू में अच्छे टीचर्स को लाए तीन चार पांच महीने के बाद निकाल दिए, फिर अगले साल लाए फिर निकाल दिए, और इस तरह से कुचक्र बना करके फिर फालतू टाइप के टीचर को ब्रांड बन गया, तो उस तरह फालतू टाइप के टीचर को रख करके काम चलाते रहना, ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे आपके पास विश्वास करके आते हैं, आपके ब्रांडिंग के वजह से आते हैं, आपके प्रचार के वजह से आते हैं, आपके दलालीकरण के वजह से आते हैं, कई सारे लोग दलाल घूमते रहते हैं, चलिए ना हम आपको यहाँ एडमिशन करा दे रहे, चलिए ना यहाँ एडमिशन कराएगा 10% 5% जो है लेकर के चला जाएगा एक तरह से जो, वो आपका रिश्तेदार की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो आपका रिश्तेदार नहीं, आप ही का पैसा जो है एक तरह से खाएगा एक तरह से जो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे जान पहचान हॉस्टल का लोग हो, चाहे मेस का लोग हो, चाहे और भी एक्स वाई जेड हो एक तरह से जो। तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए एजुकेशन। इनके पास एक अच्छा मौका मिला था क्योंकि लोग भरोसा करने लगे थे, बता रहे कि विजन क्लासेज जो है नॉर्मली जो है 2008 से लेकर के 14 के आसपास तक में जो है बहुत ज्यादा भरोसा करते थे लोग जो, ये उस समय चाहते तो कोटा का सिचुएशन वास्तव में क्रिएट कर दिया था, लेकिन वास्तव में ये तो अंदर से जो है शिक्षा के प्रति थोड़ी ना रुझान रखते थे, ठीक है, ये तो रखते थे कि हमको विजय माल्या बनना है या तो बहुत बड़ा एमपी और एमएलए बनना है एक तरह से, और उसका कमाया हुआ धन को जो है गलत चीजों में लगा दिए एक तरह से जो, तो ये गलत चीज है एक तरह से जो, जबकि इनको मौका मिला था, लोगों ने विश्वास किया था और इन लोगों ने शिक्षा के साथ विश्वासघात किया एक तरह से जो। आज पटना जो है, बिहार जो है, आईएससी के लिए भी लोग भरोसा नहीं करते, लोग जिला जिला पढ़ना पसंद करते, क्यों जानते हैं पटना में जाएंगे बेकार में जो पैसे बर्बाद होगा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे,
और बिहार जो कि बहुत ज्यादा जाना जाता था उसमें पटना जो है अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल के रिजल्ट के लिए आज पूरा भरोसा खो दिया है, पूरी तरह से भरोसा खो दिया। लोग कोटा जाना पसंद करते हैं पैसा है तो, नहीं तो जिला ही में रुक जाना पसंद करते हैं, पटना आना बहुत कम पसंद करते हैं। तो इसका वजह आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले यही जो तथाकथित, जिसको मीडिया जो है एक तरह से नाम दे दिया शिक्षा माफिया, इन्हीं लोगों के वजह से। और ये लोग देख ही सकते हैं अपने ही पार्टी के एक तरह से समझिए कि तोड़ने वाले बने। तो साइड सा बात है कि जो हर जगह धोखा ही देता हो तो आपको लगता है कि शिक्षा में वो आपके काम आने वाले हैं।